ानी बेचने वाले की कहानी है जो छोटी मोटी चोरी के बावजूद भी फटे पुराने कपड़े में रहता है एक बार उसके मन में ख्याल आता है कि पूरी दुनिया चुहादानी है एक शाम वो किसी किसान के घर में रुकता है

लंबे संघर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से वो लोहे की फैक्ट्री में पहुंच जाता है और लोहे की फैक्ट्री का मालिक उसे अपना पुराना अरेंजमेंट का दोस्त समझता है घर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है परंतु तो डर के मारे बेंडर उसके साथ जाने से मना कर देता है अंततः आयरन मास्टर की बेटी उस, एडला उसे अपने घर ले जाती है क्रिसमस के त्यौहार के लिए आफ्टर मास्टर मिस्टेक एंड बाथर लीव द्लेस इमिजिएटली बट एडला कम्स फादर टू एलो हिम टू एट होम ऑन दिस फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस हिम गुड फूड एंड ही इज लव नहाने के बाद जब वो बाहर आता है स्ट्रेंजर आर्यन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने गलती से किसी और व्यक्ति को अपने घर लाया है और उसे घर से निकल जाने को कह देता है परंतु एडला जिसने क्रिसमस का विशेष भोजन इस व्यक्ति के लिए बनाया रखा था पापा से रिक्वेस्ट करती है कि आज के दिन उसे वहीं रुकने की परमिशन दी जाए और उसे वहाँ ठहरने के साथ साथ अच्छा भोजन करवाती है और बहुत प्यार के साथ उसके साथ व्यवहार करती हैं The 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 man with the sad, not a word. He he only sat down and helped himself to the food. Time after time, after looked at the young girl who had had for him. Why had she done it? What could be the crazy idea? कोई शब्द कहता नहीं है चुपचाप बैठ जाता है उसे खाने के लिए बिठाया जाता है और खाना खाता है परंतु वो लड़की की तरफ कुछ समय के बाद लड़की की तरफ देखता है जिसने हस्तक्षेप करके इनके बीच में इसके पापा और इसके बीच में कंसाइल किया था और फिर मन में ख्याल आता है कि उसने ऐसा क्यों किया लड़की के मन में क्या ऐसा विचार आ सकता है जिसने मुझे अपने घर में ही रखा है आफ्टर दैट क्रिसमस एट राम पास जस्ट एज इट वॉज इट ऑलवेज द स्ट्रेंज इन नॉट कॉज एंड इट बिकॉज सी एट नथिंग बट स्लीप द फूल फॉर नोन ही लय ऑन दोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लैप्ट एट वन स्टैच क्रिसमस की पूर्व संध्या उनके घर में वैसे ही बीती जैसे हर साल बीती है क्योंकि स्ट्रेंजर यहाँ इनके घर में कोई और समस्या पैदा नहीं करता वो सिर्फ सोता ही है दोपहर से पहले तक वो सोफे पे ही बैठा रहता है अपने गेस्ट रूम में अपनी लंबी टांगें पसार करके एट मून दॉकम अप सो दैट ही कुड हैव ही शेयर ऑफ द फूड क्रिसमस फेयर बट आफ्ट देट ही स्लैप्ट again इट सीम्ड एस दो फॉर मैनी ईयर्स यू आर नॉट बीन एबल टू स्लीप क्वाइट एंड सेफली एस योम दोपहर के बाद उसे उठा देते हैं ताकि क्रिसमस का भोजन कर पाएँ उसके बाद फिर उस होने लगता है ऐसा लगता है जिसे कई सालों बाद बड़े आराम से और सुरक्षित नींद से पहली बार यहीं आई है या ऐसा स्थान इसे मिला इन द इवनिंग में क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड They woke him up again and they stood for the वॉक in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. Two hours later, he was aroused ही more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and फॉरिज शाम के समय जब क्रिसमस के ट्री को जलाया जाता है जैसा रिवाज है क्रिश्चियंस कम्युनिटी में उसे फिर उठाया जाता है ताकि उसे ड्राइंग रूम में ड्रॉइंग होता है मुख्य बैठने का कमरा वहाँ ले जाया जाए परंतु उसकी आंखें उस रोशनी में चौंधिया जाती हैं जैसे मान लो उस कैंडल की रोशनी पहली बार उसकी आंखों को चोट पहुंचा रही हो और उसके बाद खाना खाने के बाद फिर वो गायब हो जाता है वहाँ से दो घंटे बाद फिर उसे वहाँ लाया जाता है उठाया जाता है ताकि वो शाम के लिए बनी हुई जो मछलियाँ और पॉलिश था उस भोजन को वो खाएँ As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said, "Thank you and good night." But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which she wore was to be a Christmas present. जैसे वो अपना खाना टेबल पर ख़त्म कर देता है उसके बाद सबके पास जाता है और सबका एक एक करके थैंक यू करता है और गुड नाइट कहता हूँ उन सभी को उसके बाद जब वो यंग उस नौजवान लड़की एडला के पास जाता है जो उसे समझ गई थी उसने उसे एहसास भी करवाया कि उसके पापा की इंटेंशन है पापा की ऐसी इच्छाएं कि जो सूट उसे पहनने को दिया गया था वो उसे क्रिसमस का उपहार समझ अपने साथ अपने घर ले जाए ही to नॉट हैव टू रिटर्न इट एंड इफ spend वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इन द प्लेस could रेस्ट इन peace एंड बी sure दैट नो no evil would फॉलो हिम ही वुड बी वेलकम बैक अगेन लड़की साथ ही कहती है कि वो इस सूट को अपने साथ ले जा सकता है वापस देने की आवश्यकता नहीं है और अगर अगले साल भी हो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ऐसे ही सुरक्षित और शांत स्थान पर आना चाहें जहाँ पे उसका कोई बुरा ना हो तो वो यहाँ पे अगले साल भी उसका स्वागत है ऐसा उस स्टेंजर को कहती हैं द मैन विद डि नोट आंसर एनीथिंग टू दिस ही ओनली स्टेयर एट द गर्ल विद बॉन्डस अमेजमेंट द नेक्स्ट मॉर्निंग द दर मास्टर अर्ली क्रिसमस सर्विस रेटरबेंडर कोई जवाब नहीं देता है सब स्टेयर होता है ताकना स्टेयर एट द यंग गर्ल उस नौजवान लड़की को बॉन्डलेस असीमित आश्चर्य सब उसे देखता है क्योंकि पहली बार ही किसी व्यक्ति ने उसके साथ इतना प्यार और सौहार्द के साथ व्यवहार किया था अगली सुबह दोनों आयरन मास्टर उसकी बेटी जल्दी उठ जाते हैं टाइमली लिमिनर गुड सीजन दोबारा आया डियर स्टूडेंट्स टाइमली यानर जल्दी उठ जाते हैं ताकि वो क्रिसमस सर्विस के लिए वहाँ पर जा पाएँ डी एस्टोरेंट्स वैसे क्रिसमस सर्विसेज की अगर बात करें इसका मतलब होता है कि क्रिसमस की जो अगले वाली पूर्व संध्या होती है उस रात को 25 दिसंबर की रात को ऐसा माना जाता है कि भगवान क्रिसमस पैदा हुए थे और उसी रात में लोग क्रिश्चियंस लोग हैं वो चर्च में जाकर के हेमंस या इस तरह के सॉन्ग्स और इस तरह के प्रेयर्स गाते हैं तो उसे ही क्रिसमस सर्विसेज कहते हैं उसके लिए लोग वहाँ पे क्रिसमस में गए थे देर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप

हैव बिन रॉड बाई अन हुट वॉज फेलो यू लेफ्ट हाउसर फादर क्योंकि चर्च में उसे पता लग गया था कि एक व्यक्ति चूहादानी बेचने वाला है जिसने क्रॉफ्टर के घर से तीस क्रॉनर चुरा रखे हैं और वो सारे चूहादानियाँ बेचता रहता है और उसके पापा ने उसी बात से उसे कहा कि हाँ देखा तुमने अपने घर में कितने अच्छे व्यक्ति को शरण दे रखी है आई ऑल लिव हाउ मैनी कव वर्ड पाई दिस टाइम The wagon had hardly stopped at the front steps when the armaster asked the bell whether the stranger was still there. पापा कहते हैं कि मुझे इसी बात की हैरानी है कि कितने चांदी के चम्मच अब हमारे घर में कबोर्ड में बचे होंगे बाकी तो चुरा चुका होगा और वैगन उनकी गाड़ी अभी रुकी भी नहीं थी कि पापा ने अंदर से ही नौकर को पूछा कि क्या वो स्टिंगर अभी यहीं है या चला गया है। He added that he had heard at church that the man was thief the valet answered that the fellow had gone and that उसने ये भी कहा कि चर्च में उन्हें पता लगा कि वह व्यक्ति चोर था परंतु नौकर ने बताया कि हाँ वो व्यक्ति तो जा चुका है परंतु तुम्हारे घर से कोई सामान चोरी करके नहीं ले गया ऑन द कंट्रेरी बिहाइंड लिटल पैकेज विच मिस वेवल्सन वॉज टू बी वेरी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट दंग गर्ल ओपन दैकेज विच वॉजली टर्न अपंस बल्कि ले जाने के विपरीत वो कहते हैं एक छोटा सा पैकेट मिस पेमेंसन के लिए छोड़ गया है जो बिज जिसने उसने कहा है कि वो क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में क्रिसमस के उपहार के रूप में एडलाउ उसने समझें नौ उस यंग लड़की ने उस पैकेज को खोला तो बहुत तो, बेतरतीब तरीके से उसे ढका गया था क्योंकि जैसे उसे खोला गया तुरंत ही सारे का सारा सामान उसके सामने आ गया शिखे बैल्यूटल कहा है जो है शिफाउंड स्मॉल रेट रैप एंड इन देर लाइट थ्री ट्रिंकल्ड टैन कॉर्नर नोट्स बट दैट फर्स्ट नोट हॉल खुशी के हमारे बहुत प्रसन्न हुई उसे खोलते ही उसके अंदर उसे एक छोटी सी जो बात आने मिली और उसके अंदर तीस क्रॉनर थर्टी क्रॉनर वो जो तीस रुपए के नोट थे वो भी बिल्कुल नोट रिंकल वहाँ पर थे और इतना ही नहीं उस रेट रेप के अंदर एक बड़े बड़े एक्शो में जैकड जम्बल वर्ड्स में एक लेटर लिखा गया था नॉवेल मेज सेंस यू हैंग As if I was a captain, I want to be nice to you in return. As if I was a real captain, for I do not want to be embarrassed at the Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bed for the poor renters. The rat trap is a Christmas present for a rat, from a rat who would have been caught in this world's rat trap. इफ़ यू आर नॉट बीन रेज कैप्टन बिकॉज इन दैट पे ही गॉट पाउ टू क्लियर हिमसेल्फ रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिकार्ड कैप्टन बॉन्स टहल उसने पत्र में लिखा था सम्माननीय आदर्श माइल पहला क्योंकि तुम मेरे साथ पूरे दिन भर बहुत आदर्श व्यवहार करती रही जैसे मान लो मैं वास्तविकता में असली कैप्टन हूँ मैं भी तुम्हारे साथ बदले में असली कैप्टन के रूप में व्यवहार करना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस के दिन आपको अपमानित होना पड़े किसी चोर के द्वारा इसलिए ये तीस रुपये जो मैंने रखे हैं आप उन्हें वापस लौटा दें उस रोड साइड के उस क्रॉप्टर को जिसने जानबूझ के शायद हम जिसे गरीब बेकार भटकने वाले लोगों को ललचाने के लिए वहाँ पाउच लटका रखा था और ये जो छोटी चूहादानी है ये मेरी ओर से यानी मैं एक ऐसा चूहा हूँ मेरी ओर से तुम्हारे लिए उपहार है यदि क्योंकि तुमने मुझे दुनिया के ट्रैप में फंसने से बचा दिया है और वहाँ से उठते हुए असली कैप्टन तुमने मुझे, मुझे बनाया और इसी शक्ति के कारण मैं अपनी स्थिति को स्पष्ट कर पाया अपने कन्फेशन कर पाया अपने अपराध का दोस्ती और उच्च सम्मान के साथ लिखा हुआ तुम्हारा कैप्टन वॉन्स टहल ये पत्र था लिखा हुआ स्टूडेंट्स यर आर द क्वेश्चन वॉट मैट दैडलर एक्सेप्ट एडलास इन्विटेशन वाउट दर When did the Iron Master realize his mistake? What did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the Iron Master had thought he was? And why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? These are the five questions. With this, we have concluded the lesson over here. Let's brief the key points before we conclude. It's the story of a poor rat -trap vendor. the word rat trap he thinks that the entire world is a rat trap. he steals 30 kroner at copters' house. copters' copters. our master considers him his old regimental friend. and takes him home and serves with love. Ratravando realizes his mistakes and returns 30 kroner. this is all what we have read in the story. thank you very much.